हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के होम मेनू के फोन ग्रुप के डायलॉग बॉक्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फोन है हमारा। तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैं ऐसे यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और मैं कुछ पैराग्राफ को इंटर करा लूँगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा पैराग्राफ का शॉर्टकट क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा LORE M और ओपन ब्रैकेट डालूंगा और क्लोज ब्रैकेट, और जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा कुछ पैराग्राफ आ गया है। तो मैं इस पर करके दिखाता हूँ। मैं इसे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं अपने डायलॉग बॉक्स में आ जाता हूँ। और मुझे यहाँ से जो भी फ़ोन चाहिए मैं वो फ़ोन लेके जैसे ही ओके करेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ से फ़ोन चेंज हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आप लोग को समझ में आया। दूसरा ऑप्शन है हमारा फ़ोन स्टाइल। यहाँ से हम फ़ोन का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। हमें इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है, या बोल्ड इटैलिक दोनों रखना है। तो मुझे बोल्ड रखना है तो मैं यहाँ से बोल्ड करूँगा, और जैसे ही ओके करेंगे क्या हो गया, यहाँ पे बोल्ड हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, यहाँ है साइज़ है। मैं यहाँ से साइज़ को बड़ा कर सकता हूँ। 72 रखना है हम 72 भी रख सकते हैं। उससे कम रखना है तो मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ, 28 कर लेता हूँ। तो क्या होगा, हमारा साइज़ यहाँ से बड़ा छोटा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ़ॉन्ट कलर। मैं यहाँ से कलर भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे रेड रखना है तो मैं यहाँ से रेड भी कर सकता हूँ। देखिए हमारा क्या हो गया, फ़ोन अभी रेड हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, अंडरलाइन स्टाइल। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। सिंगल अंडरलाइन रखना है तो आप सिंगल भी रख सकते हैं, डबल अंडरलाइन रखना है तो आप डबल अंडरलाइन भी रख सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा हमारा अंडरलाइन हो गया है। उसके बाद मैं आपको यहाँ फिर से आ जाता हूँ डायलॉग बॉक्स में, और आपको दिख रहा होगा अंडरलाइन कलर। आप यहाँ से अंडरलाइन का कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ अंडरलाइन के कलर को और ओके करता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अंडरलाइन ब्लैक है और टेक्स्ट कलर हमारा क्या है, रेड है। फिर से मैं आ जाता हूँ डायलॉग बॉक्स में, और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ इफेक्ट में दिख रहा होगा, स्ट्रिक थ्रो। यहाँ से क्या होगा, जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट लाइन को, और मैं आ जाता हूँ डायलॉग बॉक्स में, और स्ट्रिक थ्रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा टेक्स्ट के बीच में क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगा। मैं इसे हटा भी सकता हूँ। मैं यहाँ फिर से आ जाऊँगा डायलॉग बॉक्स में और यहाँ से अनचेक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या है, डबल स्टिक थ्रो। मैं यहाँ से ओके करता हूँ और मैं पहले इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डबल स्टिक थ्रो पे तो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट के बीच में डबल लाइन आ जाएगा। तो मैं यहाँ से डबल लाइन भी स्टिक थ्रो में ला सकता हूँ, बीच में टेक्स्ट के बीच में यहाँ से मैं डबल लाइन भी ला सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है और सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ इसे डिलीट कर लेता हूँ सभी को जो भी यहाँ पे है हमारा, और मैं यहाँ लिखता हूँ A2। तो ये क्या A2 हुआ, नहीं हुआ। तो मैं इसे A2 कैसे बनाऊँगा, मैं इसे थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। 2 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू दबाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा A2 हो गया है। अब आपको यहाँ पे लिखना है प्लस, तो पहले कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू दबाना है और प्लस लिखना है, मतलब पहले उसे सिलेक्शन हटा देना है, और उसके बाद जैसे मुझे B लिखना है तो मैं यहाँ पे B लिखूँगा, और मुझे 2 लिखना है, और 2 को क्या करना है, नीचे करना है। तो नीचे करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, सब स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स एंड हिडन। तो मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। मैं सबको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से पैराग्राफ को इंटर करा लेता हूँ। कुछ पैराग्राफ आ गए हैं, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे स्मॉल कैप्स पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो क्या हो गया, सारा हमारा क्या हो गया, कैपिटल हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑल कैप्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑल कैप्स मेरा सारा बड़ा भी हो गया थोड़ा और कैपिटल भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, हिडन। हिडन मतलब क्या होगा, हमारा मिट जाएगा, दिखेगा नहीं, यहाँ से हाइड हो गया। अब मैं इसे लाऊंगा कैसे, एक यहाँ क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है आपको आ जाना होगा यहाँ पर फाइल में, और यहाँ से आ जाना होगा आपको ऑप्शन में। ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले में, डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा हिडन टेक्स्ट। यहाँ से जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो जो भी हमारा टेक्स्ट छुपा हुआ था वो यहाँ से आ जाएगा। अब मुझे इसके नीचे में आपको लाइन दिख रहा है, मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा, और लाइन हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा,
और यहाँ ऑल कैप्स है और हिडन है, दोनों को मैं टिक हटा देता हूँ नीचे वाला को और ओके करेंगे, क्या होगा वो हमारा हट जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सेट एज डिफ़ॉल्ट। हम जब भी वर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है कि फ़ॉन्ट वही रहता है, साइज़ वही रहता है और डिफ़ॉल्ट कलर हमारा ब्लैक रहता है। तो मैं इसे यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, पहला है दिस डॉक्यूमेंट ओनली, दूसरा है ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट। तो पहला बोलता है कि आपको इसी डॉक्यूमेंट के लिए सिर्फ एडिटिंग करना है या सभी डॉक्यूमेंट में सेम हो जाए, तो मैं सभी डॉक्यूमेंट के लिए अभी कर देता हूँ। और आपको ये याद कर लेना है कि क्या क्या पहले से था, नहीं तो आप चेंज कर दीजिएगा बाद में फिर दिक्कत होगा। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ और अभी तो एडिटिंग मैंने किया नहीं, मैं यहाँ सही कर लेता हूँ। मैं फ़ोन कर देता हूँ यहाँ से, दूसरा चेंज कर देता हूँ और ये रख लेता हूँ ये वाला, और यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ और साइज़ यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया 26 ठीक है। और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट कलर को भी चेंज कर देता हूँ और मैं इसे सेट एज डिफ़ॉल्ट करके ऑल डॉक्यूमेंट करके ओके कर दूँगा। तो ये हमारा भी हो गया, बट मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा डोंट सेव, और मैं फिर से वर्ड को ओपन करूँगा यहाँ से। और वर्ड को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ़ॉन्ट वही है, चेंज हो गया सारा कुछ। अब मैं यहाँ कुछ भी लिखूँगा क्या होगा, हमारा फ़ॉन्ट हिंदी मैंने गलती से ले लिया था तो मेरा हिंदी ही लिखाएगा सबसे पहले। मैं यहाँ से चेंज करूँगा, बोल्ड ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा साइज़ भी बड़ा है, तो मैं इसे सही कर लेता हूँ पहले की तरह। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डायलॉग बॉक्स पे और यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट पे पहले मैं इसे सही कर लेता हूँ। तो क्या था हमारा फ़ॉन्ट, तो हमारा फ़ॉन्ट था हेडलाइन, सॉरी हेडलाइन नहीं था, क्या था मैं भी भूल गया हूँ, अब बॉडी था हमारा फ़ॉन्ट। बॉडी पे क्लिक करेंगे और इसमें मेरा रेगुलर था और यहाँ पे मेरा 11 था, तो मैं इसे कर लेता हूँ। और फ़ॉन्ट कलर हमारा ऑटोमेटिक था तो ऑटोमेटिक कर देते हैं, और मैं इसे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ ऑल डॉक्यूमेंट पे और ओके करेंगे। और मैं इसे क्लोज़ करके फिर से ओपन करूँगा। फिर से ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पहले की तरह सारा कुछ हो गया है, हमारा चेंज हो गया। तो ये आपको समझ में आया होगा सेट एज डिफ़ॉल्ट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, मैं यहाँ पे फिर से कुछ लिख लेता हूँ, कुछ लिखने के बाद मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट इफेक्ट में आ जाता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे पहले भी फ़ॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट इफेक्ट बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ से आप सॉलिड कलर, यहाँ से ग्रेडिएंट भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट आउटलाइन, यहाँ से आप आउटलाइन में सॉलिड कलर लगा सकते हैं, ग्रेडिएंट लगा सकते हैं। उसके बगल में आपको टेक्स्ट इफेक्ट दिख रहा होगा, शैडो लगा सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। आपने अगर वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लो है तो ग्लो आपको करना है तो ग्लो का साइज़ बढ़ा लीजिए, जो कलर चाहिए वो आप ले लीजिए और यहाँ से ओके कर लीजिए और ओके करते हैं तो आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा हमारा ग्लो हो गया है। तो मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ से कम कर लेता हूँ। टेक्स्ट इफेक्ट में आने के बाद यहाँ से आप ग्लो को थोड़ा कम कर लीजिए, अभी तो कम ही है, ज़्यादा हो गया, ऐसे मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ पहले की तरह, कलर में वाइट करके ओके करता हूँ और यहाँ से भी ओके करता हूँ। तो क्या हो गया, पहले की तरह हो गया। तो आपको ये समझ में आया होगा टेक्स्ट इफेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ दूसरा दिख रहा होगा मेनू में एडवांस है, तो एडवांस भी हम लोग सीखेंगे। स्केलिंग क्या होता है, यहाँ से हम साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्रीव्यू में नीचे दिख रहा होगा, जैसे मैं यहाँ से 33 करता हूँ तो क्या हो गया, ये थोड़ा चिपक गया है, मतलब बीच का साइज़ भी ये बढ़ाता है। जैसे मैं यहाँ से 150 कर देता हूँ तो बीच का भी साइज़ बड़ा कर दिया और इसको भी बड़ा कर दिया, तो यहाँ से यही होता है। उसके बाद क्या स्पेसिंग है, यहाँ से आप स्पेस बीच का बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से ज़्यादा कर देता हूँ तो बीच का स्पेस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंडेंसेट से क्या होगा कि बीच का साइज एकदम बराबर रहेगा और बड़ा होते जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ से पोजीशन आप कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर चल जाएगा लाइन से और लोअर में थोड़ा नीचे आ जाएगा। यहाँ से इसका साइज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लिया और मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में और यहाँ पे एडवांस में आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं इसे यहाँ से हिस्टोरिकल करूँगा और जैसे ही ओके करेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं यहाँ आ गया और मैं जैसे ही इस पर ऑल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से टिक करके मैं इसे बढ़ाऊँगा और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आपको दिख रहा होगा FIG जो था अलग अलग था वो एक दोनों में जुड़ गया। तो मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ, मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ और डायलॉग बॉक्स में आता हूँ
उसके बाद जैसे मैं यहाँ से नन कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा FIG का जो है दोनों अलग हो गया। तो आप यहाँ से इसको हिस्टोरिकल बना सकते हैं, ऑल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, नंबर स्पेसिंग है, तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर को लिख लेता हूँ। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर लिख देता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा हमारा नंबर क्या है, एक नंबर ऊपर है, एक नंबर नीचे है, एक सब स्क्रिप्ट है, एक सुपर स्क्रिप्ट है। तो मैं इसे कैसे ठीक करूँगा, तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और डायलॉग बॉक्स में आने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ से नंबर फॉर्म है और नंबर स्पेसिंग है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं, मतलब सबका स्पेसिंग का बीच का बराबर हो जाएगा इससे। और नेक्स्ट वाले से टेबुलर से क्या होगा कि ये आपका एकदम एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नंबर फॉर्म, यहाँ से आप सही कर सकते हैं, लाइनिंग में ला सकते हैं सभी को। तो आपको दिख रहा होगा सारा हमारा लाइनिंग में आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, ओल्ड स्टाइल, वो पहले की तरह हो जाएगा ऊपर नीचे। तो मैं इसे लाइनिंग में ही रहने देता हूँ। आपको यहाँ नंबर फॉर्म दिख रहा है, तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा होम मेनू के, फॉन्ट ग्रुप के, डायलॉग बॉक्स को कंप्लीट। तो थैंक यू।